हेलो एवरीवन वेलकम टू क्लास इलेवन फिजिक्स टू मेजरामेंटल एंड क्वेंटिटीज ये एक सेट था जो कि हर टाइप की फंडामेंटल और डराइव क्वेंटिटीज को मेजर कर सके तो इसमें मेनली चार टाइप के सिस्टम थे एक था एमके एस सिस्टम इसमें लेंथ की यूनिट मीटर थी मास की यूनिट किलोग्राम थी और टाइम की यूनिट सेकेंड थी इसी एक दूसरा सिस्टम था सीजीएस सिस्टम इसमें लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते थे मीट मास को ग्राम में और टाइम को सेकेंड में फिर एक एफपीएस सिस्टम था इसमें लेंथ की जो था वो फुट था मास को पाउंड में मेजर करते थे और टाइम को सेकंड में मेजर करते थे इसके बाद एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम था जिसको हम ऐसा ही सिस्टम कहते हैं ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है इसमें सेवन बेसिक क्वांटिटीज होती हैं और दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं। दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं बेसिक क्वांटिटीज और उनकी यूनिट बेसिक क्वांटिटीज थी मास टाइम इलेक्ट्रिक करंट थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर अमाउंट ऑफ सबस्टेंस और लुमिनस इंटेंसिटी ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये सात बेसिक क्वांटिटीज हैं लेंथ का यूनिट मीटर मास का यूनिट किलोग्राम टाइम का यूनिट सेकेंड इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर का यूनिट कैलविन एमाउंट ऑफ सबस्टेंस का यूनिट मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट कैंडेला था तो ये ऐसा सिस्टम की सात बेसिक क्वांटिटीज है इसके बाद इसमें दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को ऐड किया गया सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज सप्लीमेंटरी क्वांटिटीज दो थी एक था प्लेन एंगल और दूसरा था सॉलिड एंगल अब प्लेन एंगल क्या होता है प्लेन एंगल इज द एंगल सब्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क एक सर्कल है इसका सेंटर इसके आर्क से जो एंगल बनाता है उसको हम प्लेन एंगल कहते हैं माना ये इसकी रेडियस है ये इसका सेंटर है और ये आर्क है एक छोटा सा एस तो जो प्लेन एंगल होगा ये होता है एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर सर्कल बाय एन आर्क इसको बोलते हैं एक आर्क एक सर्कल के सेंटर से जो एंगल बनाता है उसको प्लेन एंगल कहते हैं इसकी वैल्यू होती है डी थीटा इक्वल्स टू डीएस अपॉन आर इसका यूनिट होता है रेडियन अगर एफ डीएस इक्वल टू आर अगर जो एंगल है जो आर्क है वो उसकी रेडियस के इक्वल हो तो जो प्लेन एंगल होगा वो एक रेडियन होगा तो कभी कभी वन रेडियन की डेफिनेशन पूछ लेता है कि अगर जो आर्क बन रहा है सेंटर से एक प्लेन में एक सर्कल में वो उसकी रेडियस के इक्वल हो तो जो प्लेन एंगल होगा वो वन रेडियन होगा दूसरी जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है वो है सॉलिड एंगल सॉलिड एंगल सॉलिड एंगल इज द एंगल सबेड एट द सेंटर ऑफ स्पेयर बाय द सरफेस ऑफ स्पेयर ये एक सर्कल का आर्क उसके सेंटर से जो एंगल बनाता था वो प्लेन एंगल था अब एक स्पेयर का एक एरिया जो उसके सेंटर से एंगल बनाएगा उसको हम सॉलिड एंगल बोलते हैं माना ये एक स्पेयर का एक पोर्शन है इसमें हम एक छोटा सा एरिया कंसिडर कर रहे हैं डी ए एक बहुत बड़ा स्पेयर होगा उसका एक छोटा सा एरिया है माना ये इस स्पेयर का सेंटर है तो इस एरिया का हर एक पार्ट जो इसके सेंटर पे एक एंगल ये कोन की तरीके से होगा ये इसके सेंटर पे जो एंगल बनाता है इसको हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं यह होता है एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फेयर बाई द सरफेस ऑफ स्फेयर वैल्यू होती है डी ओमेगा इक्वल्स टू डी अपॉन आर स्क्वायर इसका यूनिट होता है रेडियन स्टर रेडियन अब वन रेडियन कब होगा अगर जो ये एरिया है ये इसके रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होगा इफ डीए इक्वल्स टू आर स्क्वायर तो क्या होगा डी ओमेगा इक्वल्स टू वन स्टेरेडियन जो डी ओमेगा होगा वो एक स्टे रेडियन के इक्वल होगा इसका मतलब जो एंगल बन रहा है जो रेडियस है वो उस एरिया के रेडियस का स्क्वायर उसके एरिया के इक्वल हो जाए तो जो एंगल होगा जो सॉलिड एंगल होगा वो वन स्टे रेडियन होगा तो ये एक मेजरिंग सिस्टम है इसमें चार सिस्टम थे मीटर किलोग्राम सेकेंड सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड फुट पाउंड सेकेंड इसके बाद एक ऐसा ही सिस्टम था जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड था इसमें सेवन बेसिक क्वांटिटीज और दो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज थी सात बेसिक क्वांटिटीज और दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज थी जो बेसिक क्वांटिटीज से नहीं निकलता था उसको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की हेल्प से सॉल्व किया जाता है तो ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल है प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन होता है और सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन रेडियन होता है